पहले मुझसे क्षमा मांगो। आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं बाबा जी, हम थोड़ा इधर उधर भटक गए थे। ऐसे नहीं बच्चा, पहले तुम्हें हमारी नाभि में तेल लगाना होगा। कहाँ? नाभि में। ओह, अरे वो तो हम लगा देंगे बाबा जी, कोई दूसरा उपाय बताइए ना। बस शादी तोड़वा दो बच्चा। फिर वही बात। ए भाई, नीचे 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 नीचे, पूरी बात सुन लो मूर्ख। ऐसा है, उसकी शादी तोड़वा दो, अपनी शादी कर लो, फिर उनकी शादी जुड़वा देना, मामला फेट। मतलब फिर वापस जुड़वा देंगे तो हो जाएगा? हाँ बच्चा, यही तुम्हारी नाभि में लिखा हुआ है। बाबा क्या क्या लिखा है हमारी नाभि में, समझ नहीं आ रहा है। बाबा जी लेकिन दक्षिणा, दक्षिणा आपकी। बच्चा जी, बस सिर्फ एक ही काम करना होगा आपको। हाँ। सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक हमारी नाभि में तेल लगाना होगा। पक्का नाभि में ही ना? बस हाय कमलेश, ईटिंग समोसा। कमलेश Kamlesh, you're crying. What's happening? Kamlesh, cooling down. Everybody watching, Kamlesh. Cat, me not cooling down. Me breaking from the inside, just like glass. Why, Kamlesh, what's happening? This is personal family problem. Can't tell you. Kamlesh, they're not crying in front of me. Now I have personal problem going in the field of Gui and crying there. Please, me needing support. You, friends, right now. अरे यार बताओगे तभी तो support दूंगी ना। My mommy, papa. Oh, oh my God, Kamlesh, uncle, auntie, accident? No, cat, not say 10. Meaning? 10 ही बोले हैं यार. My papa, mommy very healthy and not accident in car. Then what happening, Kamlesh? They are giving the luck to each other. Divorce. Oh my God, Kamlesh, why divorce? Personal है यार. Personal है. Cat. अरे मैं मम्मी catch my papa with colorful hand with front वाली auntie. क्या भूल गए? मेरी मम्मी ने मेरे पापा को रंगे हाथों पकड़ लिया यार. Very bad uncle Kamlesh. Yes yes cat. Even me not expecting from my papa. Cat, tell me, what me do, yaar? You're living with your mother now. If me do that, my papa will dead. He's not living without me. Then you're living with your father now. If me also do that, my mummy will dead. She's also not living without me, cat. Kamlesh, you're not living with your mother, father now. You're living alone now. Ek problem aur hai, yaar. Me cannot living alone. Me scared the bhoots. Kamlesh, you're living in the field of Ghiya now. You. Kamlesh, not crying. Everybody watching. Kamlesh, come, Lu. दरोगा जी की बीबी के रुतबे बड़े, हाँ हाँ रुतबे बड़े, जहाँ भी वो जाए सब हो जाए खड़े। दरोगा जी की बीबी के रुतबे बड़े, हाँ हाँ रुतबे बड़े, जहाँ भी वो जाए
राजू कसम से कह रहे, तुमने गाना में एकदम करेक्ट बात बोल दी, जो बात सच है। सारो जितनी सारी नखरा ऑफिसरन की ना होती है ना, उनसे ज्यादा उनकी बीबियों के होते हैं। हमारा तो बिल्कुल भी रुतबा ना है। ना ना, असल में कहा है कि हमारी बीवी इतनी मासूम है, मगर टेम कहाँ है घर के काम काज छोड़ के अपनों रुतबा जानने जाए, थर्मामीटर थोड़ी लेके बैठी है। असल में तो माओ बहुत रुतबा है, लेकिन हम बात अभय जा टेम पे दूसरी किया कर रहे। कौन की? कमिश्नर की बीवी की। अच्छा, उनका बहुत ही रुतबा है का? बहुत दिखाती है वे? बहुत। अरे हमने तो आंखन से देखो है ऐसो रुतबा रज्जू, ऐसो मतलब कबू कबू शादी पार्टी में जाने हुए, आहा, एक गाड़ी में बचलती है, दूसरी गाड़ी में बाबू नखरा चलते हुए। कमिश्नर साहब कहाँ चलते फिर? पर्स पकड़ के पीछे पीछे। हमें ना कमिश्नर साहब की बीवी को जो अदा बहुत ही पसंद आई है। अच्छा, ज्यादा पसंद आई तुम्हें पीछे पीछे? और का, बिल्कुल। देखो, पत्नी को ना पति की जिंदगी में पूरा अधिकार होता है, ठीक है, तो बाकी पोस्ट पे भी अधिकार पूरा होने चाहिए। बहुत समझदारी की बातें करने लगी आजकल रज्जू तुम। अच्छा, पहले का बेवकूफन वाली बातें करते थे? ना ना ना, पहले भी करती थी, लेकिन अबे अबे तुमने जब बात मतलब ज्यादा ही समझदारी की बोल दी। उम्र को असर है दादा, बुड्ढे हो रहे हम। तुमको तुम ऐसा कह रही मतलब जाको कहा तुम सारे बुड्ढे हो रहे? तो कहा हमेशा जो मान रहे हैं। अरे बुड्ढे हुए तुम्हारे दुश्मन। दुश्मन तो पहले से बुड्ढे हैं। जाकू का मतलब सर, तो हमारी अम्मा तुम्हारी दुश्मन है? मजाक कर रहे थे। वैसे एक बात कहें, मजाक छोड़ो, तुम्हारी ससुर ज्यों ज्यों उम्र बढ़ रही ऐसे ही तुम धीरे धीरे हसीन होती जा रही। यार प्यार कर रही है जी। तो हम बहुत थक गए, हमें प्यार वर का मनना है। सुनो, थक गई तो पाँव दबा दे। हाँ, दबा दे। दबा देंगे तो दबाओ। अच्छा, दबा देंगे हम तो दबाओ। दबा दे दो ही नहीं तो मैं बोल रहा दबाए दबाए दबाए। आओ, अरे मारे दंदों, कितनी जोर से हड्डी तोड़ दी तुमने, आराम से दबाओ ना। एक मजा आ रहा है। अब सही है? बहुत सही। जीवन की सुखाएं जी। कौन का फोन बज रहा है? अरे ये तो हमारे ही बज रहा है। तो भाई हम कर, कौन फोन कर रहा है? देखन दो कौन की लुगाई भग गई आधी रात को ससुर। स्पीकर पर डालो ना। हाउ हाउ लियो। हाँ महाराज, कौन बोल रहे हो? क्या तुमने हमारे नंबर को अभी तक अपने मोबाइल में जगह नहीं दी अपू डार्लिंग? अरे बहन जी, कौन बोल रही? हमें लग रहा हो आपने पप्पू को फोन लगाओ, गलती से अप्पू को लग गाओ। नहीं नहीं जी नहीं, हमने अपने अजीज, अपने परम प्रिय, अपने महबूब दरोगा अप्पू सिंह जी को ही फोन लगाया है। हाँ। अरे लेकिन तुम एक सेकंड, तुम बोल कौन रही? कल रात को ही तो तुम मेरे बड़े करीब थे और आज पहचान भी नहीं रहे हो। I can understand. शायद तुम्हारी गंवार भी तुम्हारे साथ ही है ना? अरे दादा जी, मुंह नोच ले कौन है तुम? बस एक चिंगारी लगानी थी, आग लग गई। ईश्वर माफ कर देना मुझे, मैं अपने दोस्त का घर उजाड़ रहा हूँ। लेकिन क्या करूँगा, मैं मजबूर हूँ बिमलेश के मोहब्बत के लिए ये सब करना पड़ रहा है। वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हेलो, को बोल रहा हूँ, पता तो करन दो को। अरे ओ कौन चुड़ैल का फोन है? तो हमें का पता, तुम्हारे सामने ही तो फोन आ रहा हो अबे। अच्छा, इतनी रात को तुम्हें डार्लिंग डार्लिंग बोल के फोन करे तो पता ना कौन का फोन है तो? अरे यार तुम्हारी गुस्से में तुम कितनी कितनी अच्छी अच्छी लगती हो तुम। तुम्हारी तुम्हारी कसम खा के कह रहे, हमें नहीं पता, हमें लग रहा सारो कौन मोहल्ले वालों पड़ोस वालों मजाक कर रहे हो। जब बहाने अपने जेब में ठूस लियो,
कोई हमारे संगे साजिश कर रहा है, कोई हमारे संगे मजाक कर रहा है, हमें पता ही ना। तुम बहाने तुम अपने जेब में रख ले, बहुत पुराने हो गए तुम्हारे सब। तुम्हारी कसम खा के कह रहे, कौन बहानों ना बना रहा है यार। दो दे मुंह में, बताइए कि नहीं बताइयो। अरे तो जब नाम ही नहीं है पता, कहां से बताते जबरदस्ती, जानबूझ के तुम्हें खुश करने के लाने, चंपा चमेली रेशमा शबनम ये नाम ले लें। अच्छा फोन में कहा डार्लिंग डार्लिंग, हां जाओ तुम जाओ, गुड़िया के खेत में होते ही नाम पता करो। हमें तो नहीं जाना है, हम तो गोद में लेटेंगे। दो दे यहां, तुम तुम्हें दही चलो तुम। अरे हो दादा, तुम्हें हमारी नहीं, तुम्हें जो करने अच्छा का तुम मूड बनो। तो हमें कछु ना सुनो, मूड में रहो। हम मूड में नहीं है, तुम जाओ अपने घर में। तुम्हें हमारी का है उते का है बैठ गए इते का आओ। नहीं नहीं यही पर ठीक हो, तुम पियो। अरे हम तो टिका ही रहे हैं, तुम इते आओ। तुम्हें का शर्म आ रही है हमारे पास बैठने को? यहाँ ठीक है, वहाँ ठरे की बदबू आती है। आई जा की खुशबू से तुम्हें कब से दिक्कत होने लग गई? कट्टो इसे खुशबू नहीं कहते, इसे बदबू कहते। जाओ जाओ, बड़ी बड़ी बातें ना बनाओ, खुद ही तो हमें पीनो सिखा हुआ है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। चुपचाप से इते आओ, नखरे ना करो। तुम पियो, मैं सोने जाता हूँ। एक मिनट, कछु गड़बड़ तो ना करके आए है? इतना भाव तो तुमने कभी ना खाओ। अरे नहीं बाबा, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की, तुम आराम से पियो, मैं सोने जा रहा हूँ, हैं? ठीक है। रुको उते। इते मुड़ो। मुड़ो इते। कहाँ छुपा रहे हो बात तरफ? अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम कह रहे इते मुड़ो। तुम्हें तुम्हारे बेटे की कसम, मुड़ो इते। अरे कसम क्यों खिलाती हो? तुम मुड़ रहे हो कि ना? चिलिटिस पिटिस का निशान है आगो। हम पूछ रहे हैं खोदी जी, किससे चुमवा के आ रहे हो खुद को? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, क्या है कि निकिता नाम के एक अप्सरा है स्वर्ग में, आज उसका हैप्पी वाला बर्थडे था, तो मैंने जाके उसको विश किया तो उसने मेरे गाल पे नींबू निचोड़ दो। नहीं 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 सिर्फ चुमा है। हाँ हाँ ऊपर नींबू तो निचोड़ गए ना। वो है ना, सही औरत नहीं है। पता नहीं उसको स्वर्ग में कैसे जगह मिल गई। जैसे तुम्हें स्वर्ग में जगह मिल गई। अरे मैं तो ऑन द वे हूँ 11 साल से, अब तुम्हारे लिए रुका हूँ। अरे घुइया मत रुको हमारे लाने, हम तो कह रहे हैं कि अब तुम्हाओ हमाओ कोई रिश्ता ना है, गो है? निकलो इधर से। कटो कटो, हम कह रहे गेट आउट। कटो गेट आउट। कटो तुम ठंडे दिमाग से मत बता, तुम अंदर आए। अरे तुम हमारी बात समझने की कोशिश ही ना कर रहे। तुम हमारे हाथ समझने की कोशिश तो करो। ऐसे हमारे अंदर बहुत ही ज्वलन की धड़कन है। अरे ओ दादा, अगर फट गओ ना तो लावत तुम्हारे ऊपर। मैं नानो ठैये बच्चन की कैसे फूटे ही देने ना तुम। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे ओ हो हो, अंदर आने की कोशिश भी की ना तो हम बता रहे हैं कि तुम दुनिया के पहले इंसान होगे जो दो बार टह बोलोगे। अब मत पूछ बहू, अब बताने में भी शर्म आ रही है। का पिताजी भी कछु कांड करके आए का? पिताजी भी से का मतलब? हफ्वा ने भी कोई गुल खिला दो का?
खिलाए तो मैं जाने कितने गुल हैं, लेकिन पकड़ में आज पहले गुलाओ है। का मतलब? अरे घुइया मतलब, अरे अम्मा कछु मतलब ना है। जा औरत के काय दिमाग में कीड़ा घुस गओ, सब को कीड़ा है ससुर, हम शरीफ आदमी जे समझई ना रही। अच्छा ना अम्मा तुम्हें बताओ, कोई शरीफ आदमी को इतनी रात में कोई और फोन करके प्यार भरी मीठी मीठी बात करे का? का बोल रही है? अरे अम्मा बाने पूरी प्रेम की नदियां बहा दई, और जे कह रहे हमें तो कुछ लेना देना ना है। हाँ तो अम्मा जो सच है वही तो कह रहे। अब बेटा ये ठीक नहीं है, ये गलत है। खोदी सेठ जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते। चोंच बंद रखो, तुम आओ बेटो है ना, रंग दिखा दो आने। अरे कौन रंग ना दिखाए अम्मा, हम कसम खा के कह रहे हैं हम पूरी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट हैं। हाँ, व्हाइट तो कछु ना दिख रहा, हमें तो सब अम्मा ब्लैक ही ब्लैक दिख रहा है। अम्मा मैं कसम धरा लू सतुर, अपने नौ ठगे बच्चन की कसम खा के कह रहे, वह औरत को हम जानते तक ना है। अच्छा बिना जान पहचान के कौ महिला ने तो को फोन कर दो। तू कौन सो रामगढ़ को राजकुमार है गो कि बिना घास डाले कोई भी बिगड़ैल औरत खींची चली आएगी। बस अम्मा जय कराने मैंने घर के बाहर निकाल दो हमने। बहुत सही क्यों, ये दोनों बाप बेटे घर में रखने लायक है ना, निकलो बाहर। वैसे अम्मा पिताजी ने क्या करो? क्या बताएं बहू, इनकी स्वर्ग में किसी से सेटिंग हैगी। बाकी लिटिस पिटिस के निशान गाल में चिपका के हमारे सामने आ गए बेशरम की तरह दिखाते हुए। अम्मा पिताजी कहाँ हैं? अरे इतने खड़े हैं बेशरम के नाई। अरे पिताजी कम से कम गाल तो धो लेते ससुर। क्या करूं अपो बेटा, कोशिश तो बहुत की, लेकिन आत्मा हो ना, ना गीला हो सकता हो ना धुल सकता हूं। का कछु कह रहे का, का प्रतिक्रिया दे रहे जी? चुप कर। तुम्हें तुम ऐसा धोएंगे ना, और जी तो कर रहा कि तुम्हारा जगाल नोच के ना कौओं को खिला दे। दोनों निकलो बाहर नहीं तो। काम मर जाए ससुर, मर जाओ उतर ही जाए के जा रहे, मैं सो रही जाऊ। चल भाई आओ, देश की बिटिया गुइया के दर होगा हैं हम। पिताजी मूड बने तो आ जाओ, गाल धो लइए। मम्मी जरा घी की पूरी कटोरी उड़ेल दे तो पराठों पर, जान ना आवेगी तो चोरों के पीछे कैसे भागूंगी। Malaika, you're not eating so much of ghee, okay? If you're eating ghee, you're becoming fat. When you're becoming fat, you're looking like a balloon. And you know, balloon to, matlab, oding in the sky, na? Then how come you're catching the thief? Didi, main na kabhi kabhi sochta hun ki papa kaise choron ko pakadte honge? Kyunki wo to... Mujhe to lagta hai, पापा ना चोरों को कसम देकर रोकते होंगे। ए, तुझे तेरी मम्मी की कसम, रुक जा। अच्छा, हाँ, वैसे मन्ने तो लगता है कि बापू आज ना अपना मटका कम करने में ही लगा से, तभी आया नहीं नाश्ता करने। Yes, mother, my father is not eating Indian bread today. तुम अपनो काम से काम रखो, चलो। Excuse me? मम्मी, आप क्यों नहीं खा रही हो? आपका पापा के साथ झगड़ा हुआ है क्या? हमारा झगड़ा हुआ हो चाहे ना हुआ, अगर तुम मुंह खोले ना तुम्हारे संग झगड़ा हो जाए, ठीक है? एक मिनट, कोई सवाल जवाब ना करेगो, पता है तुम्हें अगर खाना खाते हुए बोलो ना तो बंदर आके रोटी उठा के चले जाते हुआ, इसलिए चुपचाप खाना खाओ। एक आवाज घिया लहसुन।
आज तो दादी को भी पापा के खाने की चिंता नहीं हो रही। मुझे तो लग रहा है मम्मी और पापा में कुछ पंगा हुआ है। तो हुआ है, कुछ हो गया है।